वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनकपुरिया ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद आज मैं घूमने जा रहा हूँ और घूमने का मौसम है ठंडे यहाँ पर बहुत, तो ठंड में ही घूमने निकल पड़े हैं सुबह सुबह दिल्ली की सर्दी में। वैसे तो घूमने का बहुत ज़्यादा प्लान था पर अभी उतनी हॉलीडे नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया है वृंदावन और मथुरा घूमने के लिए। और वृंदावन मथुरा जो कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहाँ पर उन्होंने अपने बचपन गुजारे हैं, तो कृष्ण जी की लाइफ स्टाइल वहाँ पर, डिफरेंट टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर हैं और धार्मिक स्थल हैं, तो वहीं घूमने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसी जर्नी होती है यहाँ से। सुबह सुबह आपको न्यू दिल्ली से ट्रेन लेनी पड़ेगी मथुरा के लिए, या फिर बस भी ले सकते हैं दिल्ली से। तो मैंने ट्रेन लिया है, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है और आप लोग भी इंजॉय करिए जर्नी को। दिखाते हैं आप लोगों को आगे भी कैसे कैसे है। मैंने चेयर कार का सीट लिया हुआ है, 2 सीट, तो इधर ही है। तो मैंने अपनी ट्रेन ले लिया है और यहाँ पर 2 सीटें हैं। 6:55 पर ट्रेन खुलेंगी और 6 से आपको 2 घंटे लगेगी, तो करीब करीब 7 बजे तक आपको पहुंचाएगी वहाँ पर। तो लेट्स सी, कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम देयर एंड मथुरा वृंदावन की लॉन्ग जर्नी होगी हमारी 2 दिन की, तो बहुत सारे प्लेसेस हमने घूमने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेट्स सी, विल शो यू ऑल द रिलीजियस प्लेसेस एंड सारे जो कल्चरल साइट्स है और जहाँ पर कृष्ण जी ने अपने बचपन बिताए हैं वो सारे जगह हम घुमाते हैं आपको। चलिए गाइस, मैं मथुरा जंक्शन पे आ गया हूँ और ये रहा सुबह का ठंड है, थोड़ा सा ट्रेन लेट था, तो अभी मथुरा जंक्शन पे इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चलते हैं, भूख लगी है सुबह से। और इसके बाद खाना खा के कुछ उसके बाद यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पर दर्शन करेंगे और यहाँ का पेड़ा भी बहुत फेमस है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये मथुरा जंक्शन है और आप योग यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण जी के प्रेम मंदिर के बारे में बताया गया है और यहाँ पर कृष्ण जी का पूरा बालपन का सब चीज़ यहाँ पर फोटो में प्रचलित किया गया हुआ है। तो इस तरीके से इस धार्मिक स्थल को प्रसिद्ध बनाने के लिए ये सब किया गया है। तो मैं मथुरा स्टेशन से सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि के पास जा रहा हूँ। बाहर ऑटो वगैरह है तो ऑटो से आप जा सकते हैं, सस्ते पड़ते हैं शेयरिंग ऑटो में। चले जन्मभूमि के बाहर आप लोग अगर स्टेशन पे खाना नहीं मिलता है तो यहाँ भी आके खा सकते हो। जन्मभूमि के बाहर मैंने मंगाया है छोले भटूरे, दिखा देता हूँ आपको। ये छोले भटूरे मैंने मंगाए हैं, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी है तो थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा आपको, तो वेट करके थोड़ा सा खा लीजिएगा और उसके बाद टीका वीका लगा के जन्मभूमि के अंदर में मंदिर में चलेंगे। मैं आ गया हूँ कृष्ण जन्मभूमि में और यहाँ पर इस मंदिर का बहुत फेमस कल्चर से वो मैं आपको बताऊँगा। तो रेलवे स्टेशन से मैंने शेयर ऑटो लिया था, 20 रुपये पर पर्सन। आप भी शेयर ऑटो ले सकते हो या फिर प्राइवेट भी बुक कर सकते हो। और चलिए आगे दिखाते हैं कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर की। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर आप लोग भी टीका लगवा सकते हैं ऐसे राधे राधे का। और आगे प्रवेश करते हैं। तो ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि का द्वार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा द्वार है और ऊपर है श्री कृष्ण जी रथ पर बैठे हुए। और आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण जन्मभूमि के बाहर आप सामान अपने जमा करा दो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, मोबाइल पर्स वगैरह और एयरफोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो क्लॉक रूम है, सामान घर, यहाँ पर आप लोग जमा कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हैं, इसके सामने भी कुछ पैसे लगते होंगे। तो मैं अभी सामान अपना जमा कराने जा रहा हूँ, मैं आपको अपने सामान जमा कराने होंगे और इधर वाले में आगे जो है उसमें अपने फ़ोन जमा कराने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मैं अंदर से घूम के आ गया हूँ और अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अंदर का नज़ारा मैं दिखा नहीं सका, बट
बहुत रिलीजियस एंड कल्चरल व्यू था और बहुत ही अच्छे थे। लाइक आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट फील होता है यहाँ पर। तो आप आइए यहाँ पर और कृष्ण जन्मभूमि घूमिए और आगे हम लोग देखते हैं। और उसी के बाद आपको मार्केट भी मिल जाएंगे, तो मार्केट में आप देख सकते हो जो भी कृष्ण जी की मूर्ति, बांसुरी वगैरह कुछ भी लेनी हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अंदर से लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो बाहर से ही लेने की कोशिश करना। ऐसे आप कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हो जो आपको पसंद हो। ये है द्वारकाधीश टेम्पल और मैं मथुरा के द्वारकाधीश टेम्पल के पास आया हूँ। और यहाँ पर अभी मंदिर खुला हुआ है तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर। चप्पल जूते आपको बाहर ही ओपन करने पड़ेंगे। कहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल है और बहुत भीड़ है यहाँ पर द्वारकाधीश टेम्पल में। तो आप लोग भी आ सकते हैं शाम को आरती वारती लेने। और टेम्पल में बहुत भीड़ है, लाइन में लग के आइएगा आप लोग भी। यहाँ पर है प्रभु सेवा कार्यालय ऑफिस सब है, तो डिटेल सब ये है। भीड़ बहुत है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग भी, बहुत भीड़ है। तो ये मंदिर का परिसर है और भीड़ देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर मंदिर में। तो मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिया है द्वारकाधीश जी के और बहुत ही भीड़ था, तो आपको ध्यान रखना है और अंदर मोबाइल नहीं चलाना है, फाइन लग सकते हैं। आप ये परिक्रमा मार्ग के होकर परिक्रमा कर सकते हैं इस मंदिर का। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर चुका हूँ और अंदर बहुत भीड़ होता है, तो आराम से जाइएगा। और दर्शन करने के बाद अंदर मोबाइल मत यूज़ कीजिएगा, फाइन लग सकता है। तो इसके बाद परिक्रमा मार्ग में आप परिक्रमा कर सकते हैं अंदर से बाहर, इधर से उधर। और अंदर बहुत शांत है। द्वारकाधीश एक श्री कृष्ण जी की नगरी है और वहाँ पर इन्होंने समुद्र में बनाई थी द्वारकाधीश। ये है द्वारकाधीश टेम्पल, बहुत ही अच्छा आर्ट और यहाँ के डिजाइन्स बने हुए मंदिर के, और बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर। एक श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं ऐसा फील होगा, तो आप दर्शन ज़रूर करें यहाँ पर आके। और बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया गया है भगवान की, तो द्वारकाधीश महाराज की जय हो। द्वारकाधीश के मंदिर पर आए श्री कृष्ण जी, आज हम मंदिर हैं, आप दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर निकलने टाइम आपको ध्यान रखना है, सीढ़ी लंबियाँ हैं, तो लंबी लंबी सीढ़ी है तो थोड़ा ध्यान से उतरना। और द्वारकाधीश मंदिर घूमने के बाद यहाँ पास में ही यमुना घाट भी है, जहाँ पर आप लोग जाके बोटिंग कर सकते हो। तो उस जगह पे भी जाके बोटिंग कर सकते हो आप, थोड़ा सा पैसे लगते हैं, बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप लोग जा सकते हो। वृंदावन में मैं जा रहा हूँ अभी बांके बिहारी इस्कॉन टेम्पल के साइड, और सबसे पहले वहाँ पर होटल लेंगे और होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको। मैं अभी वृंदावन में हूँ और यहाँ पर हमने अभी इस्कॉन टेम्पल के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन चेक किया था तो ऑनलाइन में सारे होटल्स की बुकिंग हो चुकी थी। और क्या है कि न्यू ईयर है तो इसलिए सारे होटल्स बुकड है, तो बहुत ही मुश्किल होती है रूम ढूंढना यहाँ पर। तो हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं ये हमें एक होटल के पास ले जा रहे हैं और यहाँ पर हमें रूम दिखा देंगे, तो बेटर होगा क्योंकि ऐसे रूम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर और बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो पहले ही आप 15 दिन पहले बुकिंग करा लो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो, और या फिर यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट
के थ्रू आप होटल बुक कर लो, अच्छा रहेगा, आपको सुविधा होगी थोड़ी सी। और इसके बाद हम लोग पहले फ्रेश होंगे, उसके बाद चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, फिर आगे प्रेम मंदिर घूमेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको भी जर्नी आगे की। तो हमारा होटल येरा श्री हित धाम छोटी सरकार करते हैं कोई, हमने होटल लिया है, ये रिसेप्शन है और यहाँ पर आगे हमारा रूम है। तो वृंदावन में आने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल आए। इस्कॉन टेम्पल भी बंद था क्योंकि 12 से 4 यहाँ पर बंद होती है, तो 4 बजे के बाद ही हम घूम सकते हैं। तो इससे बेटर हमने ये सोचा कि होटल सबसे पहले ढूंढ लेते हैं ताकि स्टे कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग कहीं घूमने निकलेंगे। तो होटल के लिए भी यहाँ पर आपको 10-15 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम है तो बहुत भीड़ है और होटल मिलते नहीं जल्दी। तो ऑटो वाले भैया थे, उनके हेल्प के थ्रू हमने एक होटल बुकिंग किया 2000 पर नाइट, जो हमें एक्सपेंसिव थोड़ा सा पड़ा नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। तो आप अपना देख के आइएगा क्योंकि ऑनलाइन भी देख सकते हैं, एक हफ्ते पहले के अकॉर्डिंग कुछ प्राइसेस वेरिएशन हो सकते हैं। हमने इतना ही घूमा है और नेक्स्ट डे हम लोग बाकी जगह घूमेंगे। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।